कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरी दुनिया जद्दोजहद करते नजर आ रही है। लिहाजा पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में भी धारा 144 प्रभावशील है। सरकार ने आपात व्यवस्थाओं और सेवाओं को जारी रखने दिशा निर्देश दिए हैं। ऐसे में समाज का हर आम और खास वर्ग शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करने में जुटा हुआ है। वहीं ग्रामीण अंचलों में कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने में कोटवारों की अहम भूमिका नजर आ रही है। ऐसे में आरंग ब्लॉक के ग्राम सकरी जावा के कोटवार गिरवर दास मानिकपुरी अपनी ड्यूटी करने में लगे हुए हैं, जहां शासन प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लेकर जन जागरूकता की सूचना वे मुनादी कर जनता तक पहुंचा रहे हैं। वहीं प्रतिदिन सुबह और शाम कोरोना संक्रमण से दूर रहने के उपाय पर मुनादी भी कर रहे हैं। साथ ही सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने में लोगों से अपील भी की जा रही है। बेवजह ना निकले, अगर गली में कोई भी व्यक्ति घूमते हुए पाते हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी, वह 2 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। आवश्यक सूचना, कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बेवजह ना निकले, अगर बिना काम के गली में घूमते पाए तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई व 2 साल की सजा सुनाई जा सकती है। बहरहाल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने ग्रामीणों की सावधानी भी दिखाई दे रही है। लोग लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन द्वारा कोरोना के रोकथाम के लिए जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश कोटवारों के माध्यम से आम जन तक पहुंच रही है, जो एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।